नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी बीना है, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में नारी शक्ति वंदन जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण को लेकर दोहरा रवैया अपनाने पर विपक्षी गठबंधन को बनाया निशाना। कहा, अब धर्म जाति के नाम पर महिलाओं के बीच फूट डालने का षड्यंत्र रच रहा है घमंडिया गठबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटा उदयपुर के बोडेली में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। दलित और आदिवासियों सहित वंचित तबके के विकास के लिए किए गए कामों का किया जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 20वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री का किया स्वागत। पीएम मोदी ने कहा, वाइब्रेंट गुजरात सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन नहीं बल्कि मेरे और गुजरात के नागरिकों की आपसी बॉन्डिंग का आयोजन है। राष्ट्रपति ने इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता ISAC 2022 के 66 विजेताओं को किया सम्मानित। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव में राष्ट्रपति ने कहा, सतत विकास को ध्यान में रखकर स्मार्ट सिटी के लक्ष्य हो पूरे। राष्ट्रपति जबलपुर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग की भी रखेंगे आधारशिला। कर्नाटक में कावेरी जल विवाद पर चौतरफा घिरी राज्य की सिद्धारमैया सरकार। राजधानी बेंगलुरु में बीजेपी JDS ने किया जोरदार धरना प्रदर्शन। उन्नीसवे एशियाई खेलों में भारतीय शूटर्स का धमाल। महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में सिफ्त कौर समरा ने विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण पदक। मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान की तिकड़ी ने महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में स्वर्ण पदक किया अपने नाम। राजकोट में खेले जा रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज के अंतिम मुकाबले में मेहमान टीम ने भारत के सामने रखा 353 रनों का विशाल लक्ष्य। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में नारी शक्ति वंदन जनसभा में शिरकत की। बीते सप्ताह ही विशेष सत्र में नई संसद में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ है। ऐसे में देश में महिलाओं में विशेष तौर पर उत्साह है। अब विधानसभाओं और संसद में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। सभा स्थल पर प्रधानमंत्री का खास अंदाज में स्वागत किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एना द्वारा मारी एक कोशिश छे का देश की मातृशक्ति नु कर्ज उतारू। आ कायदो भविष्य में विधानसभाओं में लोकसभाओं में महिलाओं ने 33% आरक्षण ये हवे पाकू थई गयू। हूँ आप सौने आ महत्वपूर्ण कायदा माटे, आ महत्वपूर्ण निर्णय माटे
जेटलो अभिनंदन आपने आपू, जेटली शुभकामनाओं आपने आपू, एटली ओछी छे। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात विकास के मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है, लेकिन ये मॉडल इसलिए भी सफल रहा क्योंकि गुजरात के विकास की रूपरेखा महिलाओं को केंद्र में रखकर रची गई। गुजरात ना विकास ना मॉडल ने चर्चा थाई छे। आ विकास मॉडल एनो प्रभाव हतो के 2014 मां आ देश ना कोटी कोटी जनोए मने आशीर्वाद आप्या, आपना दीकरा ऊपर देशे भरोसो कर्यो। अने हुं एक बात हमेशा कहूं छूं के गुजरात ना विकास ना मॉडल ने सौथी मोटी ताकत अमारी माताओं अने बहनों छे। गुजरात ने सफलता ना नवा बुलंदी पर पहुंचाने काम गुजरात विमेन लेड डेवलपमेंट एनी जे आधार थीला नाखी छे ने एना कारणे छे। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर दोहरा रवैया अपनाने पर हमला किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये लोग अधिनियम को लेकर लगातार नाटक करते रहे, कभी राज्यसभा में पारित कराया तो लोकसभा में लटका दिया, अब ये महिलाओं के बीच में फूट डालने का षड्यंत्र रच रहे हैं। धर्म जाति के नाम पर विपक्ष इस तरह का काम कर रहा है, ये घमंडिया गठबंधन है। માતાઓ બહેનોની જે સંગઠન શક્તિ છે એના કારણે આ શક્ય બન્યું છે, નહીં તો આખી કંપનીએ મહિલાઓના અધિકારોને છિન્ન બિછીન કરવા માટે હંમેશા એકબીજા સાથે મેચ ફિક્સિંગ કરીને ખેલ ખેલતા રહ્યા છે। રાજ્યસભામાં નાટક કરે અને લોકસભામાં લટકાવી રાખે, આજ એમનો કારોબાર હતો। આજે ये लोगों को तकलीफ में छे का मोदी करू केम, हवे हा पण न कराय ना पण न कराय, एटले हवे शू काढ्यू छे आ बहनों ने शक्ति तोड़ी नाखवानी। बहनों में भागला पड़े, बहनों में मारू तारू थई जाय, आ नारी शक्ति ने भागला पाड़वानू मोटू षड्यंत्र आ लोगोए चालू कर्यू छे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटा उदयपुर के बोडेली में एक कार्यक्रम के दौरान गुजरात को विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर पीएम मोदी को उनकी पुरानी तस्वीरें भी भेंट की गईं। पीएम ने वहां मौजूद जन समूह का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पीएम मोदी ने 5200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत 4500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए जाने से पूरे गुजरात में स्कूल के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 परियोजना की आधारशिला भी रखी। इससे गुजरात के सभी जिलों और ब्लॉकों में विद्या समीक्षा केंद्रों की स्थापना होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा जिले के तालुका सिनोर में ओदरा दाभोई सिनोर मालसर आसा रोड पर नर्मदा नदी पर बने नए पुल सहित कई विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने छोटा उदयपुर में जलापूर्ति परियोजना, गोधरा पंचमहल में एक फ्लाईओवर ब्रिज और दाहोद में केंद्र सरकार की ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना के तहत बनाए जाने वाले
एफएम रेडियो स्टूडियो का भी शिलान्यास किया। बोडेली में सार्वजनिक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लंबे समय से दलितों, आदिवासियों, गरीबों और पिछड़े वर्ग को लोगों को उनसे वंचित रखा गया। आजादी के इतने दशकों बाद उन्हें आदिवासियों के गौरव और सम्मान के लिए काम करने का अवसर मिला। लामा समय सुधी गरीबों, दलितों, पिछड़ा, आदिवासियों जेमने वंचित राखवामां आव्या, अभावमां राखवामां आव्या, ए आजे अनेकविध योजनाओ द्वारा अनेक प्रकारना विकासनी दिशामां खूब आशावादी विचार लईने आगळ वधी रह्या छे। आजादीने आटला बधा दशकों बाद आदिवासी गौरव माटे, सम्मान माटे मने अवसर मळ्यो। हवे भगवान बिरसा मुंडा एमनो जे जन्मदिवस छे એને જનજાતીય ગૌરવ દિવસ તરીકે આખો હિન્દુસ્તાન મનાવે છે। પ્રધાનમંત્રી મોદીને આજ અહેમદાબાદ મે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ કે 20 વર્ષ પૂરે હોને કે ઉપલક્ષ્ય મે આયોજિત એક કાર્યક્રમ મે ઉસકા શુભારંભ કિયા। અહેમદાબાદ કી સાયન્સ સિટી મે આયોજિત યે સમારોહ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ કે 20 વર્ષો કે કામયાબ સફર કા ઉત્સવ હૈ। ગુજરાત કે મુખ્યમંત્રી કે તોર પર નરેન્દ્ર મોદીને ઇસકી શરૂઆત કી થી। आज ये एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम बन चुका है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात को ब्रांडिंग नहीं बल्कि बॉन्डिंग का आयोजन बताया। पीएम मोदी ने कहा कि ये वो संबंध है जो उनके और गुजरात के नागरिकों और उनके सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। वाइब्रेंट गुजरात ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है बल्कि इससे बढ़कर बॉन्डिंग का आयोजन है। दुनिया के लिए ये सफल समिट एक ब्रांड हो सकती है लेकिन मेरे लिए ये एक मजबूत बॉन्ड का प्रतीक है। ये वो बॉन्ड है जो मेरे और गुजरात के 7 करोड़ नागरिकों से उनके सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। ये वो बॉन्ड है जो मेरे लिए उनके असीम स्नेह पर आधारित है। पीएम मोदी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात पहल एक ऐसे दौर में की गई जब गुजरात को दुनिया में बदनाम करने के प्रयास हो रहे थे। पीएम ने कहा कि इन चुनौतियों के बीच गुजरात ने खुद को साबित करके दिखाया। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई, एक निराशा का माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई। कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाए। उस संकट में भी मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा। हम गुजरात के पुनर्निर्माण ही नहीं बल्कि उसकी आगे की भी सोच रहे थे और इसका एक प्रमुख माध्यम हमने बनाया वाइब्रेंट गुजरात समिट को। और पीएम मोदी ने गुजरात के विकास में रोड़े अटकाने के तत्कालीन यूपीए सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि विदेशी निवेशकों को धमकाया जाता था, उसके बावजूद निवेशक गुजरात आए। उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। केंद्र सरकार के मंत्री तो वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना तक कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि नहीं नहीं हम जरूर आएंगे, पता नहीं पीछे से डंडा चलता था, वो ना कर देते थे। सहयोग तो दूर की बात,
वो रोड़े अटकाने में लगे रहते थे, विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ, इतना डराने के बाद भी विदेशी इन्वेस्टर्स गुजरात आए। पीएम मोदी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात पहल की शुरुआत करते समय उनका लक्ष्य गुजरात को देश का विकास इंजन बनाना था। पीएम ने कहा कि जब उन्हें देश की सेवा का अवसर मिला तो उन्होंने देश को विश्व के विकास का इंजन बनाने का लक्ष्य लेकर काम किया। पीएम ने कहा कि आज भारत के आर्थिक विकास को दुनिया सराह रही है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां भारत ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने जा रहा है। अब भारत को दुनिया की, और ये मेरी आपको भी गारंटी है, आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में होगा। ये मोदी की गारंटी है। और पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया और उसका अवलोकन किया। प्रदर्शनी गुजरात की विकास यात्रा पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में साइंस सिटी का दौरा किया। पीएम मोदी ने वहां रोबोटिक्स गैलरी, नेचर पार्क, एक्वाटिक गैलरी और शार्क टनल का जायजा लिया। पीएम ने सबसे पहले रोबोटिक्स गैलरी को देखा, जहां रोबोटिक्स की अपार क्षमता को शानदार ढंग से प्रदर्शित किया गया है। पीएम ने इस बात पर खुशी जताई कि कैसे रोबोटिक्स प्रौद्योगिकियां युवाओं में जिज्ञासा जगा रही हैं। पीएम मोदी ने रोबोटिक्स गैलरी के कैफे में रोबोट द्वारा परोसी गई एक कप चाय का भी आनंद लिया। पीएम मोदी ने गुजरात साइंस सिटी में स्थित नेचर पार्क का भी अवलोकन किया। ये पार्क न केवल जैव विविधता को बढ़ावा देता है बल्कि लोगों के लिए एक शैक्षिक मंच के रूप में भी कार्य करता है। ये पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता का भी संदेश देता है। पीएम मोदी ने साइंस सिटी में जलीय गैलरी का भी अवलोकन किया। इस गैलरी में जैव विविधता और समुद्री जीवन का नजारा होता है। ये गैलरी हमारे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के गतिशील संतुलन को दिखाती है। पीएम मोदी ने इस गैलरी के अवलोकन को शिक्षाप्रद अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि इससे जलीय जीवन के संरक्षण की भी सीख मिलती है। पीएम ने वहां शार्क टनल का भी अवलोकन किया। इसमें शार्क प्रजातियों की विविध श्रृंखला को प्रदर्शित किया गया है। पीएम मोदी ने इस अनुभव को रोमांचकारी बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित 2 दिवसीय इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के अंतिम दिन शिरकत की। कॉन्क्लेव में उन्होंने इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता ISAC 2022 के 66 विजेताओं को भी सम्मानित किया। सत
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 का लक्ष्य है मेक सिटी एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव सेफ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। ये लक्ष्य शहरों के संपूर्ण और समावेशी विकास के महत्व को रेखांकित करता है। इस दिशा में हमें अभी बहुत आगे जाना है। और कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंदौर शहर की तारीफ करते हुए कहा कि ये नगरीय प्रशासन का मॉडल बन चुका है। और न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में शहरों के लिए अर्बन गवर्नेंस और सिविक पार्टिसिपेशन का एक मॉडल बन चुका है। इंदौर ने विशेष रूप से वेस्ट मैनेजमेंट, कार्बन क्रेडिट्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी और पब्लिक ओपन स्पेसेस में के क्षेत्रों में इनोवेटिव परियोजनाएं शुरू की हैं। उधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति ने बीकानेर में मूंगफली अनुसंधान केंद्र और प्रशिक्षु केंद्र का लोकार्पण किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के किसानों ने वो कर दिखाया दुनिया जिसकी कल्पना नहीं कर सकती। किसान ने वो कर दिखाया दुनिया जिसकी कल्पना नहीं करती थी। यहां जो मेरे बुजुर्ग हैं उनको पता है कि अमेरिका से क्यों आता था, अपने देश में अमेरिका से क्यों आता था 60 के दशक में। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी ने अन्न के संकट को देखते हुए कहा कि सोमवार को उपवास करें। किसान की बदौलत, किसान के पसीने की वजह से, किसान की मेहनत की वजह से, किसान के सोच की वजह से आज हम अन्न का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यह हमारी उपलब्धि है। और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि मूंगफली अनुसंधान केंद्र बीकानेर में खुलने से किसानों को काफी फायदा होगा। हमने बादाम को इंपोर्ट करना शुरू किया और मूंगफली को कह दिया, वो मूंगफली तो वैसे किसी कवि ने कहा है कि मूंगफली गरीबों का बादाम है, लेकिन उसको ज्यादा जोर से नहीं कहा तो मूंगफली बाहर जाने लग गई और बादाम आने लग गया। अब जब यहां मेरे बीकानेर क्षेत्र के किसानों ने मूंगफली का उत्पादन करके उच्च क्वालिटी की मूंगफली बना करके दिखा दिया संसार को कि हमारी मूंगफली सबसे उच्च किस्म की है, स्वास्थ्य के लिए भी और किसी रूप में आप ले लो उसको, यील्ड भी ज्यादा है। और वहीं नोएडा के एमिटी विश्वविद्यालय में यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। यूथ पार्लियामेंट के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होते हुए देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश के सामने कई तरह की चुनौतियां थीं। इन चुनौतियों से निकलते हुए देश ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के मामले में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है, जो अनुकरणीय है। युवा संसद में बड़ी तादाद में छात्रों, बुद्धिजीवियों और शिक्षकों ने शिरकत की। हमारे सामने चुनौती थी कि लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, तो अच्छे निर्णय लेने के कारण लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था से आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। और इसके पीछे मूल कारण है योर कमिटमेंट टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर कंट्री, एंड ऑल्सो इवन वेन द चैलेंज अराइजेस वेदर यू लुक एट अपॉर्चुनिटी इन दैट चैलेंज और नॉट। कनाडा के साथ कूटनीतिक विवाद पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में खुलकर बात की और कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में बहुत सारे संगठित अपराध हुए हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा ने अभी तक अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई सार्वजनिक सबूत उपलब्ध नहीं कराया है। We have been, you know, talking about specifics and information. We have actually been badgering the Canadians. We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests.
there are terrorist leaders who have been identified. Do understand that there is an environment out there. So that is important in a way to factor in. If you have to understand what is going on out there, and our concern is that it's really been very permissive because of political reasons. और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं. आपको बता दें कि साउथ कोरिया की खबर से आपको रूबरू कराते हैं. दक्षिण कोरियाई सेना प्रमुख जनरल पार्क जियोंग ह्वान भारत दौरे पर है. उन्हें आज दिल्ली में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. वो हिंद प्रशांत क्षेत्र के सेना प्रमुखों के एक सम्मेलन में शामिल हुए हैं. अपने भारतीय समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान पार्क सैन्य सहयोग का विस्तार करने और K9 स्वचालित होविट्सर जैसे दक्षिण कोरियाई उपकरणों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करेंगे. युद्ध विराम की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दक्षिण कोरियाई सेना प्रमुख भारतीय चिकित्सा सहायता सैन्य इकाई का भी दौरा करेंगे, जिसने 1950 से 1953 के कोरियाई युद्ध में भाग लिया था. जनरल पार्क ने आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की. राजस्थान के जयपुर में दूरदर्शन की ओर से आयोजित बहुचर्चित कार्यक्रम डीडी डायलॉग का आयोजन हुआ. इस आयोजन में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, जयपुर ग्रामीण से भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और कांग्रेस नेता सचिन पायलट सहित कई दिग्गज शामिल हुए. इस बार डीडी डायलॉग की थीम है राजस्थान का रण, और इस डायलॉग में राज्य के चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा जोरों पर रही, जो कि आज के अखबारों की सुर्खियों में भी छाया रहा. उन्नीसवें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है. महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के व्यक्तिगत वर्ग में भारतीय निशानेबाजों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक और कांस्य पदक अपने नाम किए. भारत की सिफ्त कौर समरा ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई. उन्होंने 469.6 अंक के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया. सिफ्त ने विश्व रिकॉर्ड, एशियाई रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया. वहीं उनकी साथी खिलाड़ी आशी चौकसे ने कांस्य पदक हासिल किया. आशी ने कुल 451.9 अंक लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया. इससे पहले इन दोनों निशानेबाजों ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के टीम इवेंट में रजत पदक जीता था. और इससे पहले महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के टीम वर्ग में भारतीय टीम ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई. सिफ्त कौर समरा और आशी चौकसे और मनीनी कौशिक ने देश के लिए यह रजत पदक जीता. निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में भारत ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई. भारत के लिए मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान की तिकड़ी ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा. भारतीय टीम ने कुल 1759 अंक हासिल करके पहला स्थान प्राप्त किया. चीन को रजत पदक मिला. और इसी के साथ फिलहाल इतना ही. हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार.